हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे लैक प्रचालक, लैक ओपेरॉन क्या होता है। कल हमने जीन अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में पढ़ा था। तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन में ही जीन के नियंत्रण संबंधी संरचना को समझाने के लिए फ्रेक्वांस जैकब और जैक्वे मोनार्ड ने 1961 में मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल को ही ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओपेरॉन मॉडल में जीन्स का एक समन्वित समूह है, मिला जुला एक समूह है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित या ट्रांसक्राइब होते हैं और किसी उपापचय मार्ग को इकाई की तरह, मतलब एक सिंगल इकाई की तरह नियंत्रित करते हैं। जैकब और मोनार्ड ने पहली बार अनुलेखनी नियंत्रित तंत्र के बारे में बताया था। लैक प्रचालक, लैक यानी कि लैक्टोज में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचना जीन्स का नियमन और एक सामान्य उन्नायक और नियामक जीन्स के द्वारा होता है, प्रमोटर और कंट्रोलर जीन्स के द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में, क्योंकि जीवाणु का डीएनए काफी सरल होता है और उसमें डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन और इत्यादि को ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, इसलिए उदाहरण के रूप में हर जगह जीवाणु का ही लिया गया है इसे, है ना। तो इसमें जो है ये बहुत सामान्य है। और प्रचालक यानी ओपेरॉन, ऑपरेट करने वाला, प्रचालन करने वाला, ओपेरॉन, ओपेरॉन ऑपरेटर से बना ओपेरॉन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण लैक प्रचालक में लैक ओपेरॉन, ट्रिक प्रचालक ट्रिप ओपेरॉन, एरा प्रचालक एरा ओपेरॉन, हिस प्रचालक हिस ओपेरॉन, वेल प्रचालक वेल ओपेरॉन इत्यादि हैं। लैक प्रचालक एक नियंत्रक नियामक जीन आई और तीन संरचनात्मक जीन जेड वाई और ए से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक लैक प्रचालक का डायग्राम है जो जीन आई और संरचनात्मक जीन जेड वाई और ए से मिलकर बना है। आई जो है जीन लैक प्रचालक का दमनकारी कूटलेखन करता है। यहाँ पर ये जो है दमनकारी कूटलेखन का कार्य करता है। जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा जीएल गैल का कूटलेखन करता है। यहाँ पर जो गैलेक्टोसाइडेज बनता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है जो डाइसेक्राइड लैक्टोज के जल विघटन से एकलक इकाई गैलेक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है। वाई जो जीन होता है वह परमिएज का कूटलेखन करता है जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार ए जीन के द्वारा ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का कूटलेखन होता है। इस तरह से लैक प्रचालक के तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरे अन्य प्रचालक के प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचय पथ में एक साथ काम करते हैं और लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए क्रियाधार का काम करता है जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ करने को या निष्क्रियता को समाप्त करने को नियमित करता है। तब इसको प्रेरक कहा जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड। इससे सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है तब परमिएज की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को प्रेरित करता है। प्रचालक का दमनकारी जीन आई के द्वारा संश्लेषित होता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है। दमनकारी मतलब रोकने वाला। यदि यहाँ पर कोई दमनकारी प्रोटीन जुड़ गया तो इससे संबंधित जो मैसेंजर आरएनए का कोड है वो नहीं जुड़ पाएगा और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार प्रचालक जो है उन अनुलेखित नहीं हो पाता है। प्रेरक जैसे लैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रिय हो जाता है। तो अगर यहाँ पर प्रेरक उपस्थित है तो वह इससे जुड़ जाता है और दमनकारी प्रोटीन को इससे नहीं जुड़ने देता, जिसके कारण मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ पाता है। लैक प्रचालक के नियमन को इसके क्रियाधार के द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है।
ये भी याद रखने वाली बात है कि लैक प्रचालय ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। दमनकारी द्वारा लैक प्रचालय के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं। अगर दमनकारी इससे जुड़ गया तो इसका संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए उसको ऋणात्मक नियमन कहेंगे। और अगर यहाँ पर प्रेरक उपस्थित है तो दमनकारी नहीं जुड़ पाएगा, तब वो धनात्मक नियमन हो जाता है। लैक प्रचालय धनात्मक नियमन के नियंत्रण के लिए भी होता है। ओपेरॉन मॉडल को अगर हम दर्शाना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रेरणी तंत्र। प्रेरणी तंत्र में सक्रिय अवरोधक या रिप्रेसर होता है प्लस प्रेरक होता है, जिससे रिप्रेसर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। दमनकारी तंत्र में निष्क्रिय एपोरिप्रेसर होता है और सह रिप्रेसर होता है, जिससे दमनकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है और वह नियमन नहीं होने देता, यानी सक्रिय रिप्रेसर का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं पी मीन्स यहाँ पर हो जाता है प्रमोटर, आई जो है वो एक सक्रिय जींस है जो मैसेंजर आरएनए को जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आगे बढ़ाता है। यहाँ पर दमनकारी जो है वो मैसेंजर आरएनए प्रेरक उत्प्रेरक उपस्थित होता है जो कि दमनकारी को निष्क्रिय कर दिया और यहाँ जुड़ने नहीं दिया। यहाँ पर प्रेरक नहीं है, जिसे दमनकारी जो है वो इस स्थान पर जुड़ गया और मैसेंजर आरएनए को आगे नहीं बढ़ने देता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेरक ने दमनकारी को निष्क्रिय कर दिया है तो मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाता है और यहाँ पर नीमन एंजाइम फॉर्मेशन का काम होता है। जेड के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई के द्वारा परमीएज एंजाइम और ए के द्वारा ट्रांस एसिटेलाइज एंजाइम। दमनकारी के द्वारा लैक प्रचारण के नियमन को जैसे कि हमने बोला कि अगर यहाँ पे दमनकारी जुड़ गया तो ये ऋणात्मक कहलाएगा और जब नहीं जुड़ पाता है तब ये धनात्मक कहलाता है।